हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास का सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि हम इकोनॉमिक के इतिहास में और भारत के पॉलिटिकल इतिहास में भी बहुत मायने रखता है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि मैं बात कर रहा हूँ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। जब इस डे के बारे में हम जानते हैं तो आज का डे है नवंबर 29। आज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ पैलेस्टाइन पीपल। आज के डे पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा नवंबर 29 को इसी डे में मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, एक्चुअली इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? आज के डेट में आप न्यूज में देख रहे होंगे भारत का इकोनॉमिक पॉलिसी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम बात करते ही रहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलना चाहिए, ऐसे होने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ऐसे होने से जॉब जॉब क्रिएट होगा, जॉब से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट हो पाएगा। तो ये सब जब क्रिएट के बारे में हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक इकोनॉमिक एक पॉलिसी अच्छा चाहिए। तो इसीलिए भारत के इतिहास में 1991 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आखिर ये इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, और इस इकोनॉमिक पॉलिसी को हम जो एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये एलपीजी सिस्टम है क्या, उसमें भारत का नीति क्या था और उसमें पॉलिटिकल इशू भी क्या था, उसके बाद भी आज के डेट में जो भारत है तो आज जिस जगह पे खड़ा है, तो उसी के ऊपर पूरा टोटल हम डिस्कशन करेंगे। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि हमारा लागू हुआ था 24 जुलाई 1991 को, जब इसके बारे में हम बात करते हैं, भारत इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, एक कंट्री को चलाने के लिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी एक अच्छा होना चाहिए। उस वक्त 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर बहुत सालों तक, 200-300 सालों तक राज कर चुका था। तो इसीलिए हमें एक ऐसा एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए था जिसको कि हम कंट्री को आगे ले जा सके। उस वक्त की जो पॉलिसी बनाया गया, उस पॉलिसी को बनाया बोला गया नेहरूवियन सोशलिस्ट ऑर्डर, जो कि 1947 से लेकर 1991 तक चला। 1991 के बाद जो आज तक जो पॉलिसी है इसे बोला जाता है ओपन मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, जो कि 91 के बाद चला। नेहरूवियन सोशलिस्ट ऑर्डर क्या है, उसमें क्या था, उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर थे उस वक्त के, जो हमारे जितने भी कैबिनेट्स में थे, ये सब डिसाइड किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने दिनों तक हमारे ऊपर राज कर चुका है, उसके बाद अगर हम इस सोशलिस्ट ऑर्डर में काम करेंगे, मतलब कि सोशलिस्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या नहीं करेंगे, पीपुल फ्रेंडली होके हम एक उसका तय करेंगे। मतलब कि कुछ भी सामान बनेगा तो वो भारत सरकार उसका डिसीजन लेगा कि इस सामान का रेट कितना होगा, इसका खर्चा कितना होगा, कितना खर्चा कर पाओगे, इन सब का डिसीजन भारत सरकार के पास रहता था, जिसे कि बोला जाता था कि लाइसेंस परमिट राज, जो कि 91 तक चला। लाइसेंस परमिट राज मतलब कि अगर कुछ भी बनाना होगा कोई भी कंपनी को इंडिया में, तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना होता था कुछ भी बातों पे, तो छोटा मोटा लाइसेंस लेना है, क्योंकि लाइसेंस परमिट राज ये एक अच्छा था। लेकिन एक एक तौर से अगर हम देखेंगे, ये अच्छा भी है बुरा भी है, ये आप डिसीजन लेंगे कि अच्छा और बुरा क्यों है। लाइसेंस परमिट का राज में ये होता था कि किसी भी चीज के लिए हमें अगर परमिशन लेना होता है तो गवर्नमेंट ऑफिस के हम चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये लाइसेंस के लिए हमें ये रहता था। लेकिन जब ओपन मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमें जो बोलते हैं खुलकर हमें करना, कुछ जो बोलते हैं कि हम लगा सकते हैं, कुछ उद्योग लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ये ओपन मार्केट इकोनॉमी का ये है। फिर भी परमिशन कुछ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का डिसाइड था कि कंपनी क्या खर्चा करेगा, कितना रुपए में बेचेगा, क्या नहीं करेगा, इसका प्राइस टैग क्या होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता था। तो 1991 में ओपन मार्केट इकोनॉमी होने के बाद ये सब गवर्नमेंट के हाथों से, थोड़ा जो बोलते हैं गवर्नमेंट अपने हाथ को खुला कर दिया, तो यही था ओपन मार्केट इकोनॉमी। तो जब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया कब था? अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
भारत में लागू हुआ, जो कि हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से। हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। जब 1947 से 1991 तक उस वक्त पर भारत पे चल रहा था लाइसेंस परमिट राज, जैसे कि मैंने बोला कि हर कुछ भी सामान बनाना होता था तो हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही बनाते थे, जो कि लाइसेंस परमिट राज। क्या बेचना है वो भी गवर्नमेंट तय करेगा, क्या नहीं बेचना है वो भी गवर्नमेंट तय करेगा, कितना प्राइस है वो भी तय करना पड़ता है। लेकिन 91 से जो ओपन मार्केट इकोनॉमी हो गया, इसमें जो ये तीनों स्कीम को लाया गया, तो ये आया क्यों था? इसलिए जब इसके बारे में जब हम बात करते हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ही क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, इसीलिए कि भारत में उस वक्त 1990 के दौर पे भारत का जो इकोनॉमी था वो तड़मड़ा गया था। कैसे तड़मड़ा गया था? इसलिए तड़मड़ा गया था कि 1990 तक भारत में बहुत करप्शन केसेस आने लगे थे, धीरे धीरे करप्शन केसेस भी बढ़ने लगे थे, ऐसे ही बहुत सारे स्कैम भी रिलीज हो रहे थे, जैसे कि हम भोपाल स्कैम के बारे में जानते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्कैम के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन 1991 में ऐसा हुआ जब उस वक्त पे गल्फ वार चल रहा था। गल्फ वार आप जानते होंगे, एक मूवी भी निकला था एयरलिफ्ट, उसमें कुवैत को इराक ने कैप्चर कर दिया था, जो कि सद्दाम हुसैन उस वक्त इसके लीड करते थे इराक में। तो इसके द्वारा क्या हुआ, जब हम तेल आज भी आज के डेट में भी भारत तेल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट जब तेल करता है तो उस वक्त कुवैत जो बोलते हैं कि हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा तेल के लिए आयात के लिए हम भारत ज्यादातर बाहर के कंट्री के ऊपर डिपेंड्स रहता था। तो इसीलिए तेल का जब ये वार गल्फ वार चल रहा था, इराक ईरान और ये सब जो बोलते हैं कंट्री जब ज्यादातर इन सब में चल रहा था, तो ऑयल का जो आयात था वो बंद हो गया, जिसके वजह से कि हमें और कंट्री से तेल के लिए आयात करना पड़ा। तो उस वक्त तक हमारे भारत के लिए खर्चा होता था तेल के लिए करीबन 500 करोड़ प्लस जो खर्चा होता था हर महीने के लिए। लेकिन जब ये वार चलने लगा तो उस वक्त 1200 करोड़ प्लस में एक मंथ में खर्चा होने लगा। तो इसके वजह से जो कि आज के डेट में हम दो टर्म सुनते होंगे, एक है कि फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिस्कल डेफिसिट यही है जो कि हमारा इनकम है उससे अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ये है कि फिस्कल डेफिसिट, जो कि होता है खर्चा वाला खाता। सपोज मेरा इनकम करीबन 40,000 है, तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूं 50,000, ये हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। जो मेरा रेवेन्यू से ज्यादा है, तो ये वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी फिस्कल डेफिसिट ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट का जितना ये है रेवेन्यू है उससे ज्यादा अगर खर्चा होने लगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है चालू खाता, जो कि अगर हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम अगर किसी को अगर 100 रुपए के लिए हम कोई भी चीज भेज रहे हैं और उसके बदले हम 200 रुपए के सामान और किसी जगह से ले रहे हैं, तो 100 रुपए उसका एक्स्ट्रा हो गया। इसी पॉलिसी को बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये रहा कि फिस्कल डेफिसिट, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जनरली बोलते हैं चालू खाता, जो चालू खाता रहता है कि हर वक्त ये चलता ही रहता है कि हम ये तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर रहता है। तो उस वक्त पे क्या हो गया कि हम इम्पोर्ट के लिए बहुत डिपेंडेबल हो गए बहुत सारे कंट्री के ऊपर, इसके वजह से हमारे 1200 करोड़ से प्लस खर्चा होने लगा हर महीने, और गल्फ वार उसका बहुत बड़ा रीजन था। तो उस वक्त पे भारत को अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो 1947 में जब हम इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, डॉलर एंड रुपीज को कंपेयर करते हैं, डॉलर रुपीज के बारे में ये सिलसिला है क्या, 1947 में $1 = 3.30 था, जो कि $1 = 3 रुपया, 3 रुपया 30 पैसा था 1947 में ये। लेकिन 1991 में ये कितना रहा, 1991 में इसका रहा $17.01। देखिए
1990 में 17 रुपए एक पैसा, 1947 में 3 रुपया, आज के डेट में जो कि हम देखते हैं 73, 74, 72 ऐसे ही, 71 ऐसे ही लगा रहता है। आज के डेट में जो है कि नवंबर 27 तक अगर देखेंगे 73.90 रुपीज का वैल्यू है, कितना बढ़ गया 56 रुपीज इस 30 सालों में। ऐसा क्या हुआ कि 1947 से लेकर 1991 तक सिर्फ 3 रुपए से 17 रुपया हुआ और 1990 से लेकर 2020 तक 17 रुपए बनकर 73.96 रुपया में हो गया। इसके बारे में भी हम ये जब इकोनॉमिक पॉलिसी पूरा देख लेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम कुछ पॉलिटिकल टर्म्स में देखते हैं। 1990 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और उस वक्त के चंद्रशेखर के एडवाइजर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह और आरबीआई के गवर्नर। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं आरबीआई का गवर्नर का रोल बहुत अहम रह जाता है। प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब का रोल बहुत महत्व रहता है। तो उस वक्त के जब चंद्रशेखर गवर्नमेंट में हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त हमारे आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकट रमन क्या करते हैं, चंद्रशेखर के पास जाते हैं और उस वक्त पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं यशवंत सिन्हा, बोलते हैं कि भारत का स्थिति ठीक नहीं है, कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ये ज्यादा हो जा रहा है, इसके वजह से हमें कुछ जो हमारे सामान है, कुछ भी सामान अगर हमें किसी से लोन लेना हो तो क्या करते हैं हम, तो हम अपना सामान को गिरवी में रखते हैं, उसके बदले हम उससे कुछ लेते हैं। तो अगर कंट्री को इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कंट्री क्या गिरवी रखेगा, उसका जो बोलते हैं कि गोल्ड रिजर्व रखेगा, जो कि उस वक्त पे गोल्ड रिजर्व था एसबीआई के पास। ये गोल्ड रिजर्व होता क्या है, गोल्ड रिजर्व के बारे में जब हम बात करते हैं, गोल्ड रिजर्व जो कि हमारे गोल्ड रिजर्व किस कंट्री के पास कितना है ये डिसाइड करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसका कि हेडक्वार्टर लंदन में है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में आज के डेट में अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द 2020 के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है यूएस के पास, करीबन 8,134 टन गोल्ड रिजर्व है। इंडिया का रैंक है 9 नंबर, जो कि 658 टन गोल्ड रिजर्व है 2020 अगस्त तक। यह है गोल्ड रिजर्व का रेशियो। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है हमारे लंदन में। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं गोल्ड रिजर्व के बारे में, उस वक्त पे हमारे पास बहुत गोल्ड रिजर्व था, तो हम क्या किए, देश को तो चलना है, दो हफ्ते के लिए ही हमारे राशन पानी सब कुछ बचा है, तो क्या करेंगे, तो हम अपना गोल्ड रिजर्व जो कि उस वक्त एसबीआई के पास था, वो रिजर्व को ऐसे स्थिति में, हमारे भारत के इकोनॉमिक्स में ऐसे स्थिति में आरबीआई गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके ये अगर चाहें तो हम अपना सोना किसी भी कंट्री के बैंक्स में गिरवी रख के पैसा हम ला सकते हैं। तो क्या किया गया, उस वक्त बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जो कि यूबीएस बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इन तीनों बैंक में हमारा सोना गिरवी रखा गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान में 47,000 केजी गोल्ड को रिजर्व रखा गया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 20,000 किलो गोल्ड रिजर्व में रखा गया, उसके बदले हमें लोन के तहत मिला, जो हम बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखे थे उसके लोन के तहत मिला 20 करोड़ डॉलर के रूप में, हमें स्विट्जरलैंड बैंक से लोन मिला 1100 करोड़ के रूप में, हमें बैंक ऑफ जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज में मिला, इसके बदले हम कुछ वक्त चल जाना था, यही था। उस वक्त के जब हम ये चीज सोचे, लोन तो हम ले आए, लेकिन ये जो लोन लेने का जो प्रोसीजर था इसमें सब कुछ ये हुआ, ये चंद्रशेखर कैबिनेट के बिना परमिशन से ये लोन लिए थे। जब हम बात करते हैं, फिर सरकार बदल गया और सरकार बदलने के बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उस वक्त पे जो 21 जून
1991 को वो एक ऐसे कैंडिडेट चाहते थे जो कि उस वक्त पीसी अलेक्जेंडर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी थे, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। पीसी अलेक्जेंडर बोलते हैं कि इस वक्त पे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे एक इंसान को हम फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान रखता हो। तो उस वक्त पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे। तो 1991 21 जून को हम हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, मनमोहन सिंह को बोले कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद संभालिए, जो कि वो संभालने लगे 1991 से। उस वक्त पहली बार भारत के इतिहास में भारत रत्न के बारे में सब जानते होंगे कि ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न सिर्फ उस वक्त तक सभी को मिलता था, लेकिन पहली बार कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 1992 में पहली बार भारत रत्न मिला, जो कि थे हमारे जीआरडी टाटा। उस वक्त तक कभी भी भारत रत्न किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया नहीं गया था, जीआरडी टाटा को पहली बार 1992 में भारत रत्न दिया गया। उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और आर वेंकटरमण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त पे थे, और गृह मंत्री थे जो कि शंकर राव चौहान, जो कि उनके बेटे अशोक चौहान 2008 से 10 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, वो भी फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र थे, होम मिनिस्टर वो थे। लेकिन उस वक्त पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम ये इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलपीजी सिस्टम क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अगर ये तीनों चीज को देखें, ग्लोबलाइजेशन का टर्म में अगर मैं डायरेक्ट में जाऊंगा तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली मीनिंग क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर हम समझेंगे, देश दुनिया के लिए हम बाजार खोल देना, और जो बोलते हैं कि आओ ये हम मिलके सब कुछ करते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ तो जो बोलते हैं कि हमारा मार्केट बढ़ेगा कैसे, हम ओपन कैसे होंगे, और उसके वजह से हमारा इकोनॉमिक चलेगा कैसे, यही है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। ग्लोबलाइजेशन का अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो पूरे बाजार को खोल देना, और कि कोई भी कंट्री आके हमारे यहाँ पे व्यापार कर सकता है, उसके वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब में एक पॉलिसी जो कि लिबरलाइज पॉलिसी किया जाता है। क्योंकि मैं जैसे बोला कि नेहरूवियन सोशलिस्ट ऑर्डर में हमें हर चीज के लिए लाइसेंस परमिट राज में हमें सब कुछ सरकार से परमिशन लेके बनाना पड़ता था, लेकिन हम जो ओपन मार्केट इकोनॉमी हो गया तो मार्केट पूरा खुला हो गया, कोई भी आके व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट के बारे में जब हम जानते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट क्या है, कि जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूरा टोटल्स में देखते हैं, इकोनॉमिक टर्म में अगर बात करेंगे तो ये है एक चालू खाता जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, अगर हम किसी कंट्री को भेज रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कब होता है, जब हम और किसी कंट्री से ज्यादा लेते हैं और हमको कम देते हैं, इसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि जब हमारा रेवेन्यू से ज्यादा अगर हम खर्चा करने लगे, ये फिस्कल डेफिसिट। उस वक्त पे भारत में ये चीज बहुत था कि जो बोलते हैं हमारा जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं था उससे ज्यादा खर्चा करता था, उसी को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। तो इसी के तहत 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म समय लाना पड़ा, जो कि पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी भी हो चुका था। और क्यों ये पॉलिसी, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स को भी उस वक्त पे हो रहा था, और आप एक स्कैम का नाम सुने होंगे वोपर स्कैम के बारे में। तो यही एक इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का जरूरत पड़ गया उस वक्त पे, और उस वक्त का बहुत बड़ा रीजन था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर में जब आप एक मूवी देखे होंगे एयरलिफ्ट, उसमें कुवैत को इराक के उस वक्त के जो डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन कैप्चर कर दिए थे, उसके वजह से हमें तेल का आयात जो है अलग कंट्री से लाना पड़े था, कुवैत से हमें नहीं मिल रहा था। उस वक्त के भारत में खर्चा होता था करीबन 500 करोड़ प्लस का खर्चा होता था एक हर मंथ तेल के लिए। लेकिन जो बोलते हैं जब ये गल्फ वॉर हो गया था उस वक्त हमारे 1200 से प्लस जितना कि हमारा रेवेन्यू नहीं उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ा, इसीलिए हमें एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में इसीलिए ये जरूरत था।
जब हम बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक फॉर्म उस वक्त क्या बैंक नहीं था, हम बैंक से भी तो लोन ले सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1988 में हमारे जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त पे भारत आए थे, उस वक्त पे वो बोले कि कुछ कंडीशन रखे कि तुम ओपन मार्केट करना शुरू कर दो। लेकिन जो बोलते हैं कि ये सब लोगों को बाद में सूझा कि ओपन मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, जो कि 1991 में जुलाई 24 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ। तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा। अगर हम बात करेंगे डॉलर एंड रुपीज, एक्चुअली डॉलर एंड रुपीज भी इकोनॉमिक से बहुत लिंक है, जो कि आज के डेट में हम सुनते हैं कि एक डॉलर इक्वल टू इतना हो गया। ये 1947 में $1 इक्वल टू 3.30 और 1990 में ये था ₹17.01 और 2020 में इसका ₹73.96, जो कि देख लीजिए ₹3 से ₹17 1990 तक और ₹17 से डायरेक्ट 73, जो कि 56 रुपये ज़्यादा हो गया, जो कि नवंबर 26 तक ये रिपोर्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, 2020 नवंबर 26 तक 73.96 का वैल्यू हो गया है। तो ये था जो बोलते हैं कैसे पैसा का जो बोलते हैं डिवेलुएट हो गया। अगर हम किसी से लोन लाते हैं तो उसके बदले उससे वो भी तो कंडीशन रखेगा ना, तुम इस तरह से दोगे, अगर दे नहीं पा रहे हैं तो तुम अपना वैल्यू को डाउन करो, अगर तुम अपना वैल्यू डाउन करोगे तो मैं अपना वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो रुपी डिवेलुएशन के बारे में IMF कुछ शर्त रखा था कि अगर जो बोलते हैं कि हम भारत को कुछ लोन देंगे तो तुम अपना रुपी को डिवेलुएट करवाना। और एक चीज है कि जब गोल्फ वॉर चल रहा था, US नो डाउट हर जगह में बड़ा प्लेयर के नाम पे जाना जाता है, US उस वक्त कुवैत को आजाद करने के लिए उसे उस वक्त एक जरूरत था, एक साथी जरूरत था, और अपने एयरफोर्स को उतारने के लिए एक बेस जरूरत था उसके आसपास, जो कि भारत उस वक्त के सबसे अच्छा बेस था। उस वक्त पे भारत में US एयरफोर्स यहाँ पे आके लैंड करके यहाँ पे मुंबई से वो ऑयल लेते थे और उसके तहत जाकर अटैक करते थे। तो उस वक्त पे ये सब चलता था गोल्फ वॉर के एक मेन रीजन में इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हमें जो बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बदलना जरूरत पड़ गया, क्योंकि हमारे पास वैसा था ही नहीं कुछ ऐसा, तो इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी आया। तो 9 जून को USA ने 1991 उस वक्त गोल्फ वॉर के बारे में 9 जून 1991 को USA के जो फाइटर USA फाइटर जेट है वो भारत से तेल लेते हैं, जो कि मुंबई से तेल लेते हैं। 17 जून को US बॉम्बार्डमेंट करता है इराक में वो बॉम्ब फेंकता है, क्योंकि जो बोलते हैं उस वक्त गोल्फ वॉर चल रहा था। उसके तहत IMF का जो कंडीशन था बोलता है, IMF भारत के पास लेके आता है कि तुम हमें जो बोलते हैं कि थोड़ा स्टेबल, हमें हमारे जेट फाइटर को उतारने के लिए बेस दो, हम जो बोलते हैं तुम्हें कुछ पैसा देंगे। लेकिन भारत के जो इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त ये बोले कि नहीं, उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी, उस वक्त पे बोले कि 1990 से 1991 में वो बोले कि देखो हमें अपना इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म करवाना है, ना कि जो किसी से उधार लेके ज्यादातर लेके हमें ये करना है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी हम रिफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमें IMF लोन दे। तो ये इस कंडीशन में हुआ, तो USA के फाइटर जेट इंडिया में लैंडेड हुए, तो उसके बदले सुब्रमण्यम स्वामी जो भारत के उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर थे 1990 से 1991 तक, तो उसके दौरान ही IMF ने $3 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर दिया, जो कि हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुकून का बात था कि IMF ने पूरा लोन सैंक्शन कर दिया। क्योंकि उस वक्त पे IMF क्यों सैंक्शन किया, जब हम IMF के, ये तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों सैंक्शन किया, क्योंकि अमेरिका का वोटिंग परसेंटेज IMF में 80% से ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर अमेरिका का मदद कर दिए तो IMF से लोन मिल ही जाएगा टाइप का है, क्योंकि 80% वोट रहता है, तो इसीलिए तो ये IMF से हमें लोन मिल गया। इसके वजह से उस वक्त पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के, जैसे बोला फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जो उस वक्त के UGC चेयरमैन थे, 21 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव बुलाते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद का ओथ टेकिंग करवाते हैं। तो उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस वक्त के हमारे होम मिनिस्टर थे शंकर राव चौहान और R वेंकट रमन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में,
1991 के बारे में, उस वक्त के एक पहला जो बजट था, 1991 का पहला बजट जो पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर वही मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त पे पहले बजट के स्पीच में विक्टर ह्यूगो के स्टेटमेंट में, विक्टर मारियर ह्यूगो जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, वो बोले थे एक स्टेटमेंट उस वक्त पे चलता था 18 के वक्त पे, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ताकत नहीं है जिसका वक्त आने से कोई रोक सकता है, जब जिसका वक्त आएगा वो आएगा ही आएगा, वर्ल्ड में कोई पावर नहीं कि रोक सकता है। ये स्टेटमेंट उस वक्त के पहले बजट के स्पीच में, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पार्लियामेंट में स्थापन कर रहे थे, उसी वक्त का ये बजट का एक कोट था विक्टर ह्यूगो के स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के आकार से। उस वक्त पे हमारे पहली बार जेआरडी टाटा को 1992 में पहली बार भारत रत्न, भारत रत्न ऐसे बहुत लोगों को दिया गया, पहला भारत रत्न करीबन 1954 में फर्स्ट टाइम जो सीबी रमन, सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी को 1954 में भारत रत्न दिया गया था, और 1992 में फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा को भारत रत्न मिला था, जो कि उस वक्त पे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी खुद नरसिम्हा राव ही थे उस वक्त पे भी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉलिसी है वो पूरा एलपीजी सिस्टम को ही बारे में बात करता है। तो इतना सब कुछ चल रहा था तो हमें अपना पॉलिसी को लिबरलाइज करना पड़ा। लिबरलाइज का मतलब उदारीकरण, मतलब कि कोई भी आएगा जो हम कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेता था ये करता था, उस वक्त इतना ये जरूरत नहीं हुआ। तो अगर हम बात करेंगे कंपेयर करके, ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या, दिस प्रोसेस बाय व्हिच रीजनल इकोनॉमिक सोसाइटी एंड कल्चर्स हैव बिकम्स इंटीग्रेटेड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, ट्रेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन तीनों के खेल में हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को, क्योंकि ट्रेड के थ्रू ही तो ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इसीलिए तो ये हो पाएगा, नहीं तो जो बोलते हैं हमारी इकोनॉमी डेवलप होगा ही क्यों। ये प्राइवेटाइजेशन जो कि आज के डेट में आप सुनते होंगे, गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग ये है कि जो है कि इट इज डिफाइंड व्हेन द कंट्रोल द इकोनॉमिक शिफ्टेड पब्लिक टू प्राइवेट लैंड, मतलब कि पब्लिक जो है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी है, जैसे कि कुछ पीएसयू, मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट बात करते हैं हम बालको के बारे में, 2002 में बालको को भारत सरकार सेल कर दिए, मतलब कि बेच दिए, क्यों, भारत एल्युमिनियम कंपनी को, क्योंकि उसे कुछ पैसों का जरूरत पड़ा था और इसीलिए जो बोलते हैं हम बेच दिए थे भारत सरकार ने। तो जब हम कोई भी सरकारी चीज को हम प्राइवेट के हाथों में दे देते हैं तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नेंस हम करेंगे, लेकिन जो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो सब कुछ है, वो खुद ही डिसाइड करेगा, उसके बारे में कोई, वो कितना पैसा लेता है, कितना चार्ज करता है, उन सबके बारे में हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो बोलते हैं हमारे पास गवर्नेंस ही रखेंगे और कुछ नहीं। फिर आता है हमारा लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन ये ऐसा है, फ्लेक्सिबल पॉलिसी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमआरटीपी एक्ट, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें रेट ये करना, टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये है लिबरलाइज। बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो रिफॉर्म्स करना, जो कि आज के डेट में आप सुनते होंगे बैंक मर्ज हो जाता है, फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सुनते होंगे, आज के डेट में इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे नंबर वन कंट्री है चाइना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो क्योंकि यूएसए के बारे में ये नहीं है, क्योंकि डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे रखा जाता है, तो इसी के हिसाब से यूएसए का नाम यहाँ पे नहीं आता। तो फॉरेन रिजर्व में चाइना नंबर वन है और इंडिया का रैंक है फिफ्थ नंबर रैंक है। तो लिबरलाइज का मतलब है कि बैंकिंग पॉलिसी के ऊपर, जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, टैक्स रेट के ऊपर, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट घटा दिया गया, ये लिबरलाइज पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया कि लिबरलाइजेशन, कि तुम ये लगा सकते हो तो गवर्नमेंट से परमिशन इतना जरूरत नहीं है, जो कि लाइसेंस परमिट था, क्या सामान क्या करोगे वो तुम तय करो, हम जो बोलते हैं गवर्नेंस के ऊपर ही ध्यान देंगे और कुछ नहीं, जो कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में चलता ही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पॉलिसी चलता है। तो इसके तहत ये किया गया कि एलपीजी के बारे में, ये तीनों था एलपीजी के बारे में। एलपीजी सिस्टम क्या है, पॉलिसी लेस कंस्ट्रेनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड आल्सो द रिडक्शन टैरिफ्स और रिमूवल ऑफ द नॉन टैरिफ्स, जो कि टैरिफ सिस्टम है, जो टैक्स लगता है उस टैक्स को
हटा देना, कुछ लेवल में टैक्स को उसे रिड्यूस कराना है। अगर सोच लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स का परसेंटेज 20% है, क्योंकि बड़े बड़े लेवल में स्कैम क्या होता है, टैक्स के ऊपर ही हेवन करने के बारे में सोचते हैं। तो इस टैक्स के बारे में हम जब हम समझते हैं, टैक्स अगर छोटा से अगर देखा जाए, किसी भी चीज में अगर टैक्स 10% गवर्नमेंट ले रहा है तो उस टैक्स को रिड्यूस भी कर सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी को पॉलिसी को बोला है लिबरलाइज पॉलिसी, जो कि ओपन मार्केट इकोनॉमी के लिए एक इजी था। अगर जब मतलब कि टैक्स कमेगा तब जाकर कोई फैक्ट्री लगाएगा, अगर टैक्स ज्यादा है तो क्यों कोई इतना सारा जो बोलते हैं उद्योग लगाएगा। तो यही बात था 1991 का एक्चुअली फैक्टर्स क्या था। और एक बात बोलूंगा, 1991 में हमारे इलेक्शन के इतिहास में भी बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आया था, जो कि हम टीएन शेषन के दौर को, उस वक्त के दौर को याद करते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उनका नाम जो कि फर्स्ट गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनको कि रोमन मैगसेस अवार्ड मिला था, वो थे टीएन शेषन। ये इलेक्शन के इतिहास के लिए भी एक बहुत बड़ा चेंजेस था 1991। वैसे बहुत सारे चेंजेस हुआ, लेकिन 1991 को हम एलपीजी के बारे में, आज हम इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त पे फैक्टर्स ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये फैक्टर क्या क्या था जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म्स के लिए जरूरत पड़ा। पहला फैक्टर था राइज इन प्राइस। बहुत सारे जो बोलते हैं कि हमारा प्राइस बढ़ने लगा था, जैसे कि कुछ प्राइस वैल्यू था 6.7% से लेकर 16.7% तक बढ़ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है तो वो अपना रेट भी बढ़ाएगा, तो रेट बढ़ाएगा तो लोगों से ही पैसा लेगा। ये जो बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने लगा था तो इसीलिए हमें ये लाना पड़ा। दूसरा था फिस्कल डेफिसिट भी हमारा बढ़ने लगा, जैसे कि मैंने बोला, जो कि 1881 में हमारा जो बैंक बैलेंस जो खर्चा होता था, एडवांस बैलेंस पेमेंट जो था 2214 से लेकर 1991 में पहुंच गया कि ये 17367 करोड़ पहुंच गया, कि इतना इससे ज्यादा खर्चा हो गया, डेफिसिट बढ़ गया। और फिर इराक वार एक बहुत बड़ा रीजन है, गल्फ वार, जो कि ऑयल के बारे में, हम ऑयल क्योंकि ऑयल के लिए हम ज्यादातर गल्फ कंट्री के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। डिसमिसल परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयू में भी एक्टिविटी ठीक नहीं देखा गया, कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते थे, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस ज्यादा रहता था। बिग लायबिलिटी, मतलब कि कोई भी पीएसयू, जैसे कि आजकल के डेट में सेल, बेल, गेल, ये सब पीएसयू है, इनके अंडर जो बोलते हैं कि पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। जब पॉलिटिकली किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाता, तो ये रहा। तो इसके वजह से भी हमें ये 1991 का ये लाना पड़ा। तो फिर आया उस वक्त पे एलपीजी पॉलिसी का साइलेंट फ्यूचर्स क्या था। उस वक्त का साइलेंट फ्यूचर्स यह था एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस परमिट। लाइसेंस परमिट राज को हटाया गया, कि कोई भी लाइसेंस परमिट राज को हटाया जाए, क्योंकि कुछ चीजों के लिए आज भी तो हम लाइसेंस लेते हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लागू होता है। ईओडीबी के बात में हम जानते हैं कि लाइसेंस परमिट एक्चुअली है क्या, कि लाइसेंस परमिट को हटाया गया। कुछ भी चीज के लिए लाइसेंस हमें लेना पड़ता था, उसी को बोला जाता है लाइसेंस परमिट, जो कि 91 के बाद लाइसेंस परमिट राज को टोटल हटा गया। तुम खुद ही कुछ कर सकते हो, कुछ बेचना है, कुछ भी है, ये तुम कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूटेड, जो कि हमारा पब्लिक का जो रोल था, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि हमारे भारत सरकार के अंडर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, भेल हो, सेल हो, गेल हो, इन सबको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर रोल इज डाइल्यूटेड, एमआरटीपी को हटाया गया, बिगिनिंग ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, उस वक्त से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि आज के डेट में आप देखते होंगे उस वक्त पे एक ही गाड़ी के कंपनी था, अगर हम कुछ गाड़ी मंगाना होता था तो जो बोलते हैं 3 महीने से पहले बुक करना पड़ता था, ऐसे जो बोलते हैं कि ये पॉलिसी चलता था। तो ये पॉलिसी ठीक नहीं था एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो। तो जब हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी के बारे में, तो ये भी था, और कुछ ही प्राइवेट कंपनी को ही ऑर्डर था। उसके बाद सेटेलाइट टेलीविजन प्रोग्राम, फिर बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भारत में आके उद्योग लगाए, और जिसके वजह से आज के डेट में हम कुछ भी, उस वक्त पे घड़ी भी अगर बेचना होता था वो भी उसका वैल्यू सरकार डिसाइड करता था, ना कि जो बोलते हैं वो कंपनी डिसाइड कर पाता था। तो ये पीपल फ्रेंडली तो था, लेकिन ज्यादातर वो लोगों के हिसाब से ये बनाया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये एक कंट्री के लिए ठीक नहीं था। तो इसीलिए एलपीजी सिस्टम लाया गया, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। फ्री एंट्री टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, उस वक्त 1991 के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एंट्री करने लगे भारत के मार्केट में। आज जो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, और हर सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, जो कि इसके वजह से ये पॉसिबल हो पाए। इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें जो परमिशन लेना पड़ता था ये थोड़ा लिबरलाइज किया गया। एवोल्यूशन ऑफ द फेजेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर द न्यू
और द न्यूज प्रोजेक्ट, न्यूज उस वक्त तक एक ही न्यूज चैनल आता था, अभी जो बोलते कितने सारे चैनल आ चुके हैं, रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी, जो कि कुछ भी चीज को अगर हमें रिमूव करना होता था उसके लिए भी हम सरकार से परमिशन लेते हैं, अभी नहीं, हम अपने हिसाब से भी जो बोलते हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स, जो इम्पोर्ट टैरिफ्स था, हम इम्पोर्ट टैरिफ्स था उसको जो बोलते हैं हम कटाने लगे, अगर जो बोलते हैं कोई हमें अगर दे रहा है सामान उसके बदले अगर हम उसके ऊपर ज्यादातर टैक्स लगाएंगे तो वो देगा ही क्यों, तो इसीलिए हम रिड्यूस करने लगे, क्योंकि इकोनॉमिक को हमें लिबरलाइज करना था, हमारे भारत का इकोनॉमी को डेवलप करवाना था, इसीलिए हम जो इम्पोर्ट हो रहा था उसके ऊपर जो बोलते हैं टैरिफ्स को, टैक्स को हम लो करने लगे। फिर आया कि डीरेगुलेशन ऑफ द मार्केट्स, जो कि मार्केट्स जो सिस्टमेटिक मार्केट था, 5 दुकान थे, कल के डेट में 10 दुकान बढ़े, और उसके साथ जो बोलते कंपटीशन बढ़ता गया, जो कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू और लोगों के हिसाब से ये ठीक था। रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस, टैक्सेस के लिए जो बोलते हैं रिडक्शन करने के लिए ये हुआ, लेकिन अगर उसका और एक बात भी देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम क्या क्या, पॉजिटिव आउटकम अगर देखेंगे 1991 में इंडिया का जीडीपी था 1.1%, और 2015-16 के 17-18 के आंकड़े में देखें 7.5 से 8% तक चला जाता है, लेकिन रिसेंटली कोविड की वजह से ये नेगेटिव में चला गया था, तो ये रहा। लेकिन 1991 में ऐसा नहीं था कि जीडीपी बहुत हाई था, 1.1% ही था, लेकिन उस वक्त पे जब ये 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी जब लागू हुआ, आईटी सेक्टर कंपनी, बहुत सारे इंडस्ट्री आए, बहुत के बाहर के फॉरेन कंट्री के बहुत सारे उद्योग आए, तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी। उस वक्त उसके पीछे से हम सिर्फ गवर्नमेंट के सेक्टर पे ही बिलीव रखते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा कोई था नहीं 1991 के बाद। ये जो आज के डेट में हम देखते हैं आईटी सेक्टर में ये सब, तो ये प्राइवेट लेवल में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा, जो कि आज के डेट में भारत में गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। तो और एक ही कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, हर किसी को जो बोलते हैं कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कर सकता था, कोई आईटी सेक्टर में जा सकता था, कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन कोई ये करता था, उसके लिए पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगा, जो कि हम भारत सरकार के ऊपर गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर डिपेंडेबल ना होकर प्राइवेट नौकरी के ऊपर भी जाने लगे, लेकिन उस वक्त तक पूरा ये था कि हम गवर्नमेंट नौकरी को ही प्रिफर करते थे, तो ये भी हमारे लिए एक ये हो गया। उसका जो बोलते हैं एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ, जो कि आज के डेट में 26.38 US डॉलर है, हमारे अक्टूबर के अगर रैंक में देखा जाए। तो नेगेटिव आउटकम इसका क्या था, जो कि 1992 में बात करेंगे, 72% पॉपुलेशन 92 में, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी जो था कि 72% पॉपुलेशन के पास एग्रीकल्चर लैंड था, और उस वक्त पे एग्रीकल्चर से हमारा जीडीपी के लिए 29.02% आता था। सोच लीजिए, आज अगर हमारा जीडीपी देखा जाए तो तीन चीजों से ही कैलकुलेट होता है, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है सर्विस सेक्टर, तीसरा है इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, ये तीनों से हमारा जीडीपी आता है। लेकिन उस 1991 तक ये था कि 29% जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल था, लेकिन 91 के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होकर 18% जीडीपी एग्रीकल्चर का रोल रहने लगा, जो कि यह हमारा नेगेटिव आउटकम के रूप से जानते हैं। और ये और एक नेगेटिव आउटकम, ज्यादातर जितने सारे कंपनी आने लगे तो ये एनवायरमेंट लेवल में भी ये पॉल्यूशन होने लगा था। ये था ये जो बोलते हैं कि 1991 के बारे में थोड़ा डिटेल्स। और अगर जो बोलते हैं कि और कुछ अगर फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो जब हमारे भारत में अगर देखेंगे आज के डेट में फॉरेक्स रिजर्व कितना है, जो है कि 575.290 बिलियन डॉलर, जो कि फॉरेक्स रिजर्व है आज के डेट में पूरे भारत में, और गोल्ड रिजर्व है 36.015 बिलियन डॉलर, आज के डेट में पूरे भारत का गोल्ड रिजर्व है। ये टोटल था इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, आज का टोटल जो बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में टोटल डिस्कशन। थैंक यू।